जो ये टॉपिक है हमारा आज, आप प्रॉक्सिमिटी इसमें देखेंगे। असल में प्रॉक्सिमिटी जो है क्या होती है उसको हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉक्सिमिटी असल में आपकी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप पॉइंट्स को जो उनकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, वो आप मेजर करते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से कितनी निकटता है या कितनी प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी टेक्निक कुछ और नहीं है, जैसे आप बफर कर रहे हैं, बफर की तरह ही एक एरिया कोई पॉइंट कवर करता है, पर उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास उसमें कवर किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानते हुए हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट से बाकी पॉइंट्स को डिस्टेंस कवर किया जाता है और मेजरमेंट को मापा जाता है। तो जो प्रॉक्सिमिटी टेक्निक है कैसे हम करते हैं, यूजीआईएस के अंदर हम आज कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज में साथ ही साथ करनी पड़ेगी कि जो आपकी वेक्टर लेयर होगी या वेक्टर पॉइंट्स होंगे उसको रास्टर में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले सबसे पहले हम एक वेक्टर जो फाइल हमारी उसको ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेक्टर फाइल हमारे पास है, वेक्टर लेयर करेंगे हम वेक्टर और यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर है टेस्ट और टेस्ट में हरियाणा और हरियाणा में एटीएम का मैं ये ले लेता हूँ। ये आपकी एटीएम मशीन है हरियाणा के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो आपकी जितनी भी है हर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक या दो जो एटीएम मशीन हैं वो यहाँ पर ओपन हो रही है। अब इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें राष्ट्र फाइल बना लेना, ये वेक्टर फाइल है राष्ट्र में, इसको कन्वर्ट कर लेना। तो राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोसेसिंग जो टूल बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप प्रॉक्सिमिटी लिख देंगे सीधा। प्रॉक्सिमिटी ये आपका आ गया होगा राष्ट्र एनालिसिस प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे जाना है राष्ट्र बढ़ने के बाद, पर आपके पास अब क्या है फिलहाल वेक्टर, तो वेक्टर को सबसे पहले क्या करेंगे राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। और वेक्टर को राष्ट्र में कन्वर्ट करना है तो आपको फाइल में जाना है और कन्वर्जन फाइल जो आपकी रहती है यहाँ पर राष्ट्र के अंदर जाके जो कन्वर्जन फाइल आपकी है, कन्वर्जन फाइल में जाके आपका यहाँ पर एक ऑप्शन होगा राष्ट्राइज वेक्टर टू राष्ट्र, इस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ पर भी लिखा जाएगा, पर सीधा ही आप उसमें याद रखो उसको। ये देखिए एटीएम हमारी यहाँ खुली ही है पहले से ही, ये फाइल उसको ओपन कर लेना है और ये जो आपका ऑप्शनल है इसको देना चाहे तो दे दीजिए, ना देना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, भी ऑप्शनल है, फिर भी हम इसको वन दे देते हैं, वन दे देते हैं जिसको इसको वन दिया हमने इसको। और आउटपुट कह रहा है कि आउटपुट फाइल दीजिए, यहाँ पर जियो रेफरेंस यूनिट में दे रहा हूँ, राष्ट्र फाइल की जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर यूनिट साइज जो आपका है वो जियो रेफरेंस में डाल रहा हूँ और साथ ही साथ ये विड्थ मांग रहा है आपसे कि विड्थ और जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ और हाइट में भी 10-10 कर देते हैं। और इसको फाइल चेक करवा लेते हैं इससे, इस पर जाके ये एटीएम फाइल है इस पर आपको क्लिक कर देना, ये फाइल आपकी आ गई, ऑप्शनल है ये, इसको आप दें या ना दें कोई जरूरत नहीं हमें, ये भी ऑप्शनल है सब। इसमें आपको फ्लोटिंग वाले पे ध्यान रखना है, इसको फ्लोट कर देना है, यू आई एम टी 16 पे आपको क्लिक कर देना है और इसको सेव कर लेना है। सेव टेस्ट में ही मैं सेव कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल राष्ट्र फाइल के नाम से इसको, राष्ट्र फाइल के नाम से मैं इसको डाल रहा हूँ राष्ट्र फाइल, सेव और रन कर देते हैं। ये एरर आ चुकी है, कोई ना कोई एरर बना है कि जिसके कारण वो एरर हमें नजर आए थे, पर राष्ट्र फाइल आपकी बढ़ के आ चुकी है, ये देखिए फाइल एक आपकी बढ़ के आ चुकी है, ठीक है। एक बार प्रॉक्सिमिटी देखते हैं हम कि होगा या नहीं होगा, प्रॉक्सिमिटी खुलाई है तो प्रॉक्सिमिटी पे आपको क्लिक करना है, इस पर आपको राष्ट्र फाइल जो बनाई है वही फाइल आपकी होनी चाहिए, जैसे खुली वही फाइल आपकी राष्ट्र फाइल है। यहाँ पर बैंड लिखा हुआ है बैंड वन, पर यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, ग्रे कलर आपका यहाँ पर नजर आना चाहिए आप, डैट मीन्स इसमें दिक्कत आएगी हमें जब हम प्रॉक्सिमिटी इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एरर आ चुके थे।
तो एरर क्यों आए हैं, हम एरर को ही पहले कवर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बैंड नंबर जो है दे आ जाता तो ठीक था, हम उसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर एरर आएगा या आएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना, क्योंकि ये एरर आपके सामने आ सकता है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ कि इसमें एक डिपेंडेबल ही है बस, और पिक्सल कोऑर्डिनेट की बजाय मैं जो रिफ्रेश कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, और जो आपका ऑप्शनल ये है, ये भी ऑप्शनल है, इसको आपको रखना है ऑप्शनल ही है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये नीचे आके आपको सिर्फ अपना जो फ्लोटिंग है उसको चेंज कर लेना है, 14-16 जो है वो आपको चेंज कर लेना है, और यहाँ पर इसको सेव कर देना जहाँ पर इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। टेस्ट में ही मैं सेव कर रहा हूँ, और प्रॉक्सिमिटी के नाम से इसको, प्रॉक्स के नाम से इसको डाल रहे, प्रॉक्सिमिटी पहले से एक फाइल, तो प्रॉक्स के नाम से डाल रहे रन कर देती हूँ। देखते हैं एरर बनेगा तो नहीं बनेगी फाइल, हो रहा है नहीं आया तो आपकी फाइल बन सकती है, पर इसमें आपका राष्ट्र फाइल नहीं एरर आता है तो 99% रहता है कि एरर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कई बार रीड कर लेता है कई फाइल जो हमारी ऑफ होती हैं, तो कोशिश करें, देखते हैं अगर बनती है तो। इस तरह से आपके सामने एरर आ सकते हैं। तो जब आप राष्ट्र फाइल तैयार करेंगे तो उसमें एरर को आपने कवर करके चलना है वहाँ पर, ये आपको देख लेना चाहिए। देखते हैं, वैसे तो बनना है क्योंकि इतना टाइम ले रहा है, टाइम लेता भी है, उस फाइल को कवर भी कर जाएगी शायद, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई बनेगा, पर 99 बनता है, 1% हम कह सकते हैं चांस ना भी हो, बन गया, एक एरर आ गया ना, तो ये फाइल आपकी वैसे आ जाएगी प्रॉक्सिमिटी लिंक की बढ़ती फाइल असल में बनेगी नहीं। ठीक है, जो हम बनाना चाहते हैं। ये हो गई आपकी कंप्लीट क्लोज। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी 1:1 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी ये फाइल बन पाएगी, नहीं तो फाइल नहीं बनेगी आपकी। हम इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, इस फाइल को भी, जो प्रॉक्स फाइल आपकी है और राष्ट्र फाइल दोनों को रिमूव कर देते हैं। दोबारा से देखते हैं, राष्ट्र फाइल में जाना है, कन्वर्जन टूल, राष्ट्राइजेशन, यहाँ पर एटीएम आपकी पहले से ही खुली हुई फाइल है, और यहाँ पर ऑप्शनल जो है, आप ऑप्शनल इसको ऑप्शनल ही रखें, कोई जरूरी नहीं अभी कि उसको दे, यहाँ पर फोन आप डाल सकते हैं डालना चाहें तो, और नहीं डालना चाहते तो जीरो भी डाल सकती है, ऑप्शनल है इसलिए। ये साइज है जो, ये आप जीरो यूनिट डाल सकती हैं, ये साइज जो है आपका इसको 10 डाल सकती हैं, और इसको भी हाइट को भी 10 ले सकती हैं, ये आपका है, ये वैसे तो ऑप्शनल है पर इसको हम दे देते हैं फाइल नेम मीडियम, और तो ये फाइल है, आगे चलते हैं इसमें फ्लोटिंग देखते हैं, फ्लोटिंग हमारी रहेगी 16, और इसको रन करके देखते हैं, सेव कर लेना है। ये हो गया, अब रन का भी देखो एरर नहीं आया, ठीक है, इसको सेव कर लेना आपको फाइल को, तो अब इसमें एरर नहीं है, हम इसको यहाँ पर जाके सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है, इस फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हो, जैसे इसको हमने किया रास्टराइज, रास्टराइज कर, ठीक है, और इसको रन कर, अब एरर बन गया, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हम इसको कैंसिल करते हैं लास्ट फाइल को, दोबारा से कैंसिल करते हैं, क्योंकि एक बार रन कर चुके थे ना तो वो दिक्कत आ चुकी थी इसके अंदर, ये राष्ट्र फाइल इसकी पहले से ही बन चुकी है, रास्टराइज फाइल जो है यहाँ पर आ चुकी है ना, और जो दूसरी फाइल जो हमारी अगर देखिए इसको देखते हैं, ये भी वैल्यू में है, तो ये भी वैल्यू हमारी गलत बनी हुई है, 1:1 होनी चाहिए, दोबारा से देखते हैं। एक और तरीका हम कर सकते हैं इसके लिए, इसका हम पहले ही जो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने के बाद हम डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, तो एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू डालनी होती है हमें वी प्रोजेक्ट के नाम से आप डालते हो वी प्रोजेक्ट, और वी प्रोजेक्ट अगर हम करना चाहें वेक्टर फाइल है, वेक्टर फाइल को वी प्रोजेक्ट कर देते हैं, एटीएम है और इसको हम कर देते हैं वीटीएम 84 पे कर लेते हैं और रन कर देते हैं और क्लोज करते हैं। अब राष्ट्र में जाते हैं, कन्वर्जन टूल, वेक्टर टू राष्ट्र, वी प्रोजेक्टेड नहीं आई हुई है, ये प्रोजेक्ट ले लिया हमने, ये आपका ऑप्शनल है, इसमें हमने कुछ है नहीं,
इसमें आप ओपन दे दीजिए, देना चाहते हो एक फाइल बना रहे हैं बार नहीं फाइल को कर रहे हैं, साइज आप जो इन्फ्लुएंस टूल दे सकते हो, यहाँ पर आप कर दे सकते हो, यहाँ पर आप कन्वर्जन दे सकते हो, और इसमें आप उसको फाइल को ले आइए रिप्रोजेक्टिव फाइल को ले ली हमने यहाँ पर, और नीचे आइए प्लॉटिंग में आप जिप कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। पहले सेव हम कर रही है टेस्ट के नाम से सेव कर रही है इसको टेस्ट क्लास्टर सेव और रन, देखते हैं एरर भी है और वैल्यू आपकी वही बढ़ रही है, दोबारा से फिर देखते हैं। कुछ टाइम और लेगा, ये 95% जैसे होता है, हमारा 97 हो चुका है, तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं क्या प्रोसेस रहती है इसकी। रीडिंग लगभग पूरी कर चुका है आपकी, और रीडिंग पूरी करने के बाद जब हमारी जो एक लेयर बनती है प्रॉक्सिमिटी की, उसमें हम देखेंगे कितना प्रॉक्सिमिटी रहता है हमारे पॉइंट्स का आपस में, और वही आपका लास्ट स्टेप आपका इसके अंदर रहेगा इस एक्सरसाइज में। कुछ परसेंट रहती है इसमें रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 100% जो आपका जो पॉइंट करना था कमांड आउटपुट जो थी रन हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुका है और इसको आपने क्लोज कर देना। अब जब इस फाइल को नीचे देखेंगे, ये फाइल आपकी ये प्रॉक्सिमिटी फाइल है, और इसको आपने देखा है पॉइंट को हमने कुछ ऊपर ले जाना है, ये पॉइंट आपके इन पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रॉक्सिमिटी दिखाई दे रही है, इनका कलर आप चेंज कर सकते हो अगर कलर में आप चेंज करना चाहते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी की फाइल आपकी, इस पर आप ये क्लिक करेंगे और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ जाके ब्लैक एंड वाइट है इसको आप कलर में भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रे है ना आपका, तो इसको आप मल्टी बैंड कलर के अंदर डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के कलर आपके हो सकते हैं, एक सेट है इसके अंदर दूसरा सेट कर दीजिए ग्रे ही है एक कलर में आपका, और दूसरे में देख लीजिए किसी और में हो जाए हमारा सूर्य और भूमि कलर के अंदर हो जाए, उसको हम ये कलर ले सकते हैं, कलर यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले दिया ओके कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं, वैसे ग्रे ही हमारा रहता है ज़्यादातर, ये अगर हम ले रहे हैं तो आपकी फाइल ज्यादा रहती है,
वही है आपका कलर, अगर बैंड हम चेंज करना चाहते हो कलर बैंड भी आपके चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉक्सिमिटी बनानी है, इसका लेआउट आपको तैयार कर लेना है।